हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से मेरे चैनल एसएल लिटरेचर में स्वागत है। तो आप सब कैसे, उम्मीद करते हो कि अच्छे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कमला दास की जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पोएम, उस पोएम के बारे में जानेंगे, उसको लाइन बाय लाइन जो है बताएंगे, प्लस एनालिसिस जो भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, वीडियो की ओर बढ़ने से पहले कमला दास जो है उनके बारे में कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है वो जान लेते हैं। पहली बात है, कमला दास को तीन नाम से जाना जाता है, एक एक कमला दास, कमला माधवीकुट्टी और एक कमला सूर्या। अब दोस्तों, कमला सूर्या जो नाम है, इसके पीछे एक छोटी सी राज है। क्या है वो तो पैदा हुआ था हिंदू फैमिली में, मलयालम फैमिली पर, लेकिन जब उनकी उम्र करीब 40 की 50 ईयर्स आसपास हो गया था, तो क्या हुआ, वो अपने जो रिलीजन है वो चेंज कर लिया था और इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। तो इसीलिए उनका नाम जो है, बाद में जब इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट हुआ था, तो उनका नाम रखा गया था कमला सूर्या। तो ये था उनका नाम का पीछे का स्टोरी। अब दोस्तों, उनका जन्म की अगर बात करें तो 31 मार्च 1934 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, मद्रास की जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हुआ था। अब दोस्तों, अगर उनके डेथ की बात करें तो उनका डेथ हुआ था 31 मई 2009, जब उनकी उम्र करीब 75 साल के आसपास था, तो उनका जो डेथ हो गया था। अब दोस्तों, लिटरेरी जॉनर, लिटरेरी जॉनर वो एक पोएट्री नॉवेल शॉर्ट स्टोरी राइटर ऐसे ही है, और उनका ड्रीम था इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने, लेकिन मलयालम लैंग्वेज में भी वो लिखते थे। और दोस्तों, वो एक कॉन्फेशनल पोएट है। तो ये कुछ था कमला दास के बारे में। अब दोस्तों, एंड इंट्रोडक्शन जो पोएम है, उसको 1965 में उनका जो फर्स्ट कलेक्शन है समर इन कलकत्ता में पब्लिश किया गया था। अब जो दोस्तों, हम लोग पोएम जो है स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक्स और नेम्स ऑफ मंथ्स बिगिनिंग विथ नेहरू। मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं उन लोगों के बारे में जानती हूँ जो लोग पावर में हैं, एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक्स, और मैं उन लोगों का नाम एक दिन जैसा, हफ्ते जैसा, और नेम्स ऑफ मंथ्स और महीने जैसा बिगनिंग नेहरू, मतलब मैं उन लोगों का नाम हफ्ते के जैसा, महीने के जैसा, जैसे हम लोग बार बार ये चीज़ कहते हैं, उस सभी के बारे में कह सकती हूँ। बिगनिंग नेहरू, जैसे कि नेहरू का नाम है, नेहरू कौन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री। आई एम इंडियन वेरी ब्राउन, मैं एक इंडियन हूँ, वेरी ब्राउन मतलब बहुत गोरा है, जो उनका रंग है काला है, तो बहुत गोरा है। बॉर्न इन मालाबार, मालाबार में पैदा हुई हूँ। आई स्पीक थ्री लैंग्वेज, मैं तीन लैंग्वेज बोल सकती हूँ। राइट इन टू, ड्रीम इन वन, दो लैंग्वेज लिख सकती हूँ, और ड्रीम एक लैंग्वेज को लेकर है, कौन सा, इंग्लिश। डोंट राइट इन इंग्लिश, इंग्लिश में मत लिखो। दे सेड इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग, इंग्लिश तुम्हारा मदर टंग नहीं है। Why not leave me alone? Critics, friends, visiting cousins, every one of you. तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते हो, मुझे personally alone रहना है, वो ऐसे भी से कहना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि तुम इंग्लिश में मत लिखो, ये मत करो, वो मत करो, इसीलिए वो कहते हैं। Why not let me speak in any language? तुम लोग मुझे क्यों नहीं परमिशन देते हो, मैं कोई भी लैंग्वेज बात कर सकती हूँ, तो वो लैंग्वेज मुझे परमिशन क्यों नहीं मिलता है बोलने के लिए। Why not let me speak in any language I like? तुम लोग मुझे, जो मैंने बताया कि तुम लोग मुझे मेरी जो पर्सनल लव है, मतलब जो लैंग्वेज को लेकर, वो लैंग्वेज मुझे बोलने क्यों नहीं देते। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, इट्स डेस्टोरेशन, इट क्वेरनेस, ऑल माइन, माइन अलोन। ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का जो डेस्टोरेशन, मतलब जो विस्तार है, जो जो भी है लैंग्वेज के अंदर, हाँ, वो सभी मेरा है, माई पर्सनल, मतलब मेरा अकेला ही है, तुम लोगों का नहीं है। मैं जो कहता हूँ अपने आप में कहता हूँ। इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फनी परहैप्स, बट इट इज़ ऑनेस्ट एंड इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, डोंट यू सी। हाँ, पता है कि इंग्लिश अच्छे नहीं होगा, ये हाफ इंडियन जैसा इंग्लिश होगा, फनी शायद वो तुम सभी को मजाक लगेगा, लेकिन ऑनेस्ट है, इट इज़ ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, एक ह्यूमन की जैसा ही है, मतलब लैंग्वेज को कह रहे हैं जैसे कि मैं हूँ। डोंट यू सी, तुम लोग देख नहीं सकते। इट वॉइसेज माई जॉयज, माई लॉन्गिंग्स, माई होप्स, ये जो लैंग्वेज है, ये मेरा जो आनंद है, जो मेरा लॉन्गिंग है, डिज़ायर है, सभी चीज़ को कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो ये लैंग्वेज मेरा एलोन है, ये लैंग्वेज मेरा पर्सनल है, और मैं ये लैंग्वेज को बहुत प्यार करती हूँ। एंड इट्स यूजफुल टू मी एज गोइंग इज टू क्रोज और रोडिंग टू द लायंस। एक कौवा जैसा कोइंग करता है और एक लायन जैसा रोड करता है, मतलब वो उनका अपना है। वो एक कौवा का अगर तुम बोलो कि तुम कोइंग मत करो, तो क्या होगा, कौवा नहीं रह सकेगा,
ठीक वैसा ही है, ये लैंग्वेज भी मेरे लिए ऐसा ही है कि मैं इसको नहीं बोल के नहीं रह सकता, मैं नहीं जी सकता इस लैंग्वेज के बिना। इट इज़ ह्यूमन स्पीच, द स्पीच ऑफ द माइंड दैट इज़ हियर एंड नॉट देयर। ये एक ह्यूमन स्पीच है, इज कैसा माइंड का, और माइंड जो है, माइंड का जो संतुलन है इसे ठीक रहता है। तो एक माइंड लैंग्वेज है, एक ह्यूमन स्पीच, इसको बोलने दो प्लीज़। ए माइंड दैट सीज एंड हियर्स एंड इज अवेयर। ए माइंड जो मन है वो क्या है, सब जानता है कि क्या है, क्या देख सकते हैं, क्या सुन, क्या हो रहा है, सभी चीज़ को सुन सकता है, देख सकता है। तो कुछ इस जैसा ही है। इट इज़ ह्यूमन स्पीच, ये एक ह्यूमन का स्पीच है। द स्पीच ऑफ द माइंड दैट इज हियर एंड नॉट देयर। ये जो स्पीच है मेरे मन में है, यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं, मतलब मेरे अंदर है। ए माइंड दैट सीज एंड हियर्स एंड इज अवेयर। और जो माइंड है मेरा, मेरा जो माइंड है वो सभी जानता है, सभी सुन सकता है, सभी देख सकता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे बोलने दो, मुझे पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सभी पता है मुझे। मतलब यहाँ पर जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को एक ह्यूमन की जैसा फिगर दे रहा है हमारा जो पॉइंट है। वो कहना चाहते हैं कि ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का उन जो माइंड है वो सुन सकता है, देख सकता है सभी चीज़, मतलब वेल अवेयर है। नॉट द डीप ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म और मॉनसून क्लाउड्स और अ प्रेन और द इनकॉरेंट मटरिंग्स ऑफ द बीजिंग फ्यूनरल पायर। अब इसका मतलब क्या है, नॉट द डीप टर्म ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म। एक तूफान में क्या होता है, पेड़ की जो भूमिका होती है हम लोग केयर नहीं करते उसको, मतलब एक बार हो गया तो हो गया, उसको इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद मॉनसून क्लाउड्स और ऑफ रेन, मतलब मॉनसून में क्लाउड जो होता है, बारिश जो होती है, उस जैसा भी नहीं है कि हम लोग उसको इग्नोर कर दें। और द इनकॉरेंट मटरिंग्स ऑफ द बीजिंग फ्यूनरल पायर, और फ्यूनरल पायर मतलब चीता की जो आग होती है उसको कहते हैं यहाँ पर फ्यूनरल पायर। तो उस जैसा भी नहीं है कि हम लोग इस ऐसा भी चीज़ किया है, हम लोग इग्नोर कर देते, एक बार हो गया तो हो गया, ये इस जैसा नहीं है कि ये लोग ये चला जाएगा, ये मेरे अंदर की है। आई वॉज चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रीव फॉर आई बिकेम टॉल। मैं बेबी था, एक चाइल्ड जैसा था, लेकिन मुझे सभी ने कहा कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। फॉर आई बिकेम टॉल बिकॉज, क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि मैं लंबी हो चुकी हूँ, मेरा हाइट जो है बढ़ गई है। माई लिम्स स्वेल्ड, मेरी जो ब्रेस्ट है वो थोड़ा बढ़ गई है। एंड वन और टू प्लेसेस स्प्राउटेड हियर, और एक दो जगह पे बाल आनी शुरू हुई है। व्हेन आई आस्क्ड फॉर लव, जब मैंने प्यार मांगा, नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू आस्क फॉर, क्योंकि मुझे पता नहीं था इस उम्र में और क्या मांगा जा सकती है। ही ड्रू ए यूथ ऑफ 16 इनटू द बेडरूम एंड क्लोज द डोर। उन्होंने मुझे क्या, यहाँ पर ही मतलब जो उनका पति है उनको कहा गया है, उन्होंने क्या किया, एक 16 ईयर्स ओल्ड, मतलब उनका उम्र जो है 16 ईयर के आसपास था, तो क्या किया, उनको बेडरूम में ले गए एंड क्लोज द डोर, और डोर जो डोर है क्लोज कर दिया। ही डिड नॉट बीट मी बट माई सैड वुमेन बॉडी फेल्ट सो बीटन। उन्होंने मुझे मारा नहीं, लेकिन मेरा जो वुमेन बॉडी है वो बहुत ऐसा फील कर रहा था कि मुझे कोई मारा है। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड उम क्रास्ट मी, मेरी जो ब्रेस्ट का वेट है, जो उम का वेट है, वो बढ़ गया था, मतलब पेट, मतलब प्रेग्नेंट हो गया था। आई श्रैंक पिटीफुली, देन आई वोर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा जो भाई है, भाई का ट्राउजर पहन लिया और एक शर्ट पहन लिया। काट माई हेयर शॉर्ट एंड इग्नोर्ड माई वुमैनलीनेस, मैंने मेरा जो हेयर है उसको काट कर लिया, शॉर्ट कर लिया एक लड़के के जैसा। इग्नोर्ड माई वुमैनलीनेस, मेरे जो वुमैनलीनेस, मेरा अंदर जो वुमैन का कैरेक्टर है उसको हाइड करने के लिए। ड्रेस इन साड़ीज, बी गर्ल बी वाइफ दिस सेड। वो लोग ने मुझे कहा, उन्होंने वो लोग ने सभी ने क्या क्या कि साड़ी पहन लो, एक गर्ल हो जाओ, एक वाइफ हो जाओ, मतलब एक महिला बन जाओ। बी एम्ब्रॉयडर बी कुक बी ए क्वरल विथ सर्वेंट्स, घर की जो काम होता है जैसे कि कुकिंग करना, एम्ब्रॉयडर, और जो सर्वेंट क्या होता है, जो घर की जो वाइफ होती है वो क्या करती है, सर्वेंट के साथ कोई भी चीज़ के लिए झगड़ा करता है ना, तो इसीलिए ये चीज़ बोला गया है यहाँ पर। फिट ऑन ओ ब्लाउंग द क्राइड द कैटागोराइज डोंट सीट ऑन वॉल्स और पीप इन थ्रू आवर लेस ड्रॉप विंडोज। सुनो, चित्कार मत करो इस तरह से, क्राइड मतलब क्या है, जोर जोर से रो मत, इस तरह से ट्रीट जो है मत करो। डोंट सीट ऑन वॉल्स और पीप इन थ्रू आवर लेस ड्रॉप विंडोज। वॉल मतलब क्या है, घर में जो, घर में नहीं, घर के बाहर जो वॉल वगैरह है वहाँ पर मत बैठो, और जो विंडोज है विंडोज से मत झको बाहर, बाहर की जो चीज़ है मत देखो, सिर्फ घर में रहो, यही कहना चाहते हैं यहाँ पर। बी एमी और बी कमला, एक एमी बन जाओ एक कमला बन जाओ, कमला मतलब उन कैरेक्टर, और बेटर स्टिल बी माधवकुट्टी, और माधवकुट्टी भी बन सकती हो। इट इज़ टाइम टू चूज ए नेम ए रोल, एक टाइम है अपने जो रोल को प्ले करने के लिए,
डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, डोंट प्ले एट स्किज़ोफ्रेनिया और बी अ निम्फ, डोंट क्राई एम्ब्रेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव। अच्छा, इसका मतलब क्या है? एक टाइम है रोल प्ले करने के लिए, डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, मतलब ये जो गेम वगैरह है तुम जो खेल रही हो, तुम जो कर रही हो, ऐसा मत करो। और जब तुमको कोई प्यार करे, एक निम्फो बन जाओ, ठीक है। डोंट क्राई एम्ब्रेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव, जब तुम्हें कोई प्यार करे तो चित्कार मत करो, इतना चिल्लाओ मत। आई मेट ए मैन, मैंने एक आदमी से मिला, लव्ड हिम, प्यार किया, कॉल हिम नॉट बाई एनी नेम, ही इज़ एवरी मैन हु वॉन्ट्स, मैंने उनको कोई नाम से नहीं पुकारा क्योंकि वो मेरा पति है। पर देखिए क्या होता है, नाम से नहीं पुकारा जाता है। ही इज़ एवरी मैन हु वॉन्ट्स ए वुमैन जस्ट एज आई एम एवरी वुमैन हु सीक्स लव। उन्होंने एक लड़की को मांगा, एक वुमैन मतलब महिला को जो प्यार कर सकता है, जो प्यार दे सकता है, उनको मांगा, जैसे कि मैं किसी से प्यार चाहती हूँ, इस तरह से ही उन्होंने एक महिला को चाहा। इन हिम द हंगरी हस्ट ऑफ रिवर्स, इन मी द ओशन स्टाइलस वेटिंग, उनके अंदर एक रिवर की जैसा मनोभाव है और मेरे अंदर क्या है, ओशन जैसा, मतलब मैं ओशन जैसा प्यार चाहती हूँ, वो चाहते हैं रिवर जैसा। इस तरह से दोनों को कंपेयर किया गया है, लेकिन हंगरी हस्ट उनमें एक बहुत हंगरीपन है और मेरे अंदर वेटिंग, टायरलेस जो वेटिंग है, वेटिंग है। हु आर यू, तुम कौन हो? आई आस्क ईच एंड एवरी वन, सभी को मैंने पूछा। द आंसर इज इट इज़ आई, सभी ने क्या बोला कि मैं हूँ, ये मैं हूँ। एनी वेयर एंड एवरी वेयर आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई, मैंने सब जगह देखा लेकिन सभी ने क्या कहा कि मैं हूँ। इन दिस वर्ल्ड ही इज टाइटली पैक्ड लाइक द सोर्ड इन इट्स सीट, वो कुछ इस जैसा है, मतलब सभी लोग जो कह रहे मैं हूँ, वो कुछ इस जैसा है कि क्या, कि एक तलवार जो अपनी मायान कहते थे उसको, शायद मायान में घुसा हुआ रहता है, उसको आसानी से निकल नहीं सकते ना, तो कुछ इस जैसा है। इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली ड्रिंक्स एट 12 मिडनाइट इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स, ये मैं हूँ जो अकेले ही पीती हूँ कब, एक डार्क नाइट में, मिडनाइट में, 12 बजे के आसपास, इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स, स्ट्रेंज टाउन में जो बहुत सारे होटल हैं वहाँ पर। इट इज़ आई हु लव, ए मैं हूँ जो हंसता है। इट इज़ आई हु मेक लव एंड देन फील सेम, ए मैं हूँ जो पहले हंसती हूँ उसके बाद फिर जब प्यार करती हूँ किसी से तो सेम फील करती हूँ, मतलब मुझे सेम होता है। इट इज़ आई हु लाई डाइंग विथ ए रैटल इन माई थ्रोट, ए मैं हूँ जो मर रही हूँ यहाँ पर और मेरी गले से एक रैटल की आवाज़ निकल रही है। आई एम सिनर एंड आई एम सेंट, मैं एक सिनर हूँ मतलब अच्छी हूँ, सेंट एक पापी हूँ, संत और पापी, ओके मतलब भला भी है और बुरा भी है। आई एम द बिलव्ड एंड बिट्रेड, मुझे प्यार किया गया है और बिट्रेड भी किया गया है। आई हैव नो जॉयस दैट आर नॉट योर्स, नो एचेस विच आर नॉट योर्स, मेरे ऐसे कोई आनंद नहीं जो मेरी है और तुम्हारा ऐसा कोई आनंद नहीं जो मेरी है, मतलब तुम्हारा आनंद मेरा है, मेरी जो दुख है वो तुम्हारा है, इस जैसे ही है, तुम्हारी आनंद मेरी है। I have no joys and that are not yours. मुझे मेरी कोई ऐसा आनंद नहीं है जो तुम्हारा नहीं है, no ashes which are not yours, और दुख भी नहीं है जो मेरी नहीं है, इस तरह से। I to call myself I, मैं भी खुद को कहती हूँ कि मैं हूँ। तो दोस्तों ये था कुछ पोएम, आई होप कि आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर एक समरी वीडियो बना दूँ, तो आप सभी को अगर फ़ायदा हो तो मैं उसके ऊपर एक समरी वीडियो बना दूँगा, तो डू कॉमेंट डाउन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अच्छे से रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।